गुंडे हैं जो अपने नाम के आगे जवान लगा के यूट्यूब पे पैसा बना रहे हैं, उनका मैसेज का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है मेरे पास इंस्टाग्राम पे, कह रहे हैं विशाल भैया क्या किए हैं आप, बहुत अच्छा काम किए हैं, क्या मस्त बोले हैं आप, आपने इसको रेल दिया, आपने उसको रेल दिया, हम लोग सब लोग पवन भैया के साथ हैं, एक फोटो खिंचाने के लिए पूरा इवेंट में एक पैर पे खड़े रहते थे, आज जब इज्जत नहीं मिल रहा है तो अगेंस्ट बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए, तुम्हारे कुत्ता भोकता भोकते रहता है, कुछ हो नहीं पाता है, लाजवाब भैया जी, एकदम लाजवाब, खतरनाक। लेकिन फिर भी जब शेर चलता है ना तो गीदड़ पीछे आते रहते हैं और भोकते रहते हैं कुत्ते, तो आप लोग भोकिए कोई दिक्कत नहीं है। सोलह कितने लोग ऐड है यार आपने? और जो गाड़ी वाड़ी की बात करते हैं आप लोग कि सेकंड हैंड गाड़ी 2012 की, अब वो 2012 ये सेकंड हैंड गाड़ी अभी भी खरीदने जाओगे ना तो उतने में तुम्हारी पूरी पुश्ते खा लेंगी, समझ में आया? भाड़ा का गाड़ी भाड़ा, अरे वो भाड़ा का गाड़ी तुमको खरीदने में पैंट में झाड़ा फेरना पड़ेगा। वापिस से बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसी इंडस्ट्री का कोई बादशाह अपनी इंडस्ट्री को लेके आगे बढ़ रहा है, पवन भैया को लोग चाहे एक्टिंग की बात, एक्टर की बात कही जाए, हीरो की बात कही जाए या सिंगर की बात कही जाए, तो उनको लोग बादशाह बोलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का। तो अगर वो आगे बढ़ रहे हैं हर चीज को लेकर के तो उसको सपोर्ट कीजिए, ना कि आप इस तरीके से डिमोटिवेट कीजिए। जबकि आप भी बिहार के ही हैं, भोजपुर के ही हैं, तो हमारा ये कहना है कि हर चीज को आगे लेके बढ़िए, साथ में लेके बढ़िए। और अगेंस्ट जाएंगे तो एक लोग और अगेंस्ट गए थे, तो मत बोलिए, बस अगेंस्ट मत बोलिए किसी के भी, कोई भी कलाकार, ये तो इतिहास गवाह है, उठा के देख लीजिएगा किताब खोल के भी। आप ही लोग थे जो आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, कह रहे विशाल भैया आप तो हीरो हैं, आपने क्या मस्त कर दिया, बहुत सही किया, ये कर दिया, और आज आप भी वही काम कर रहे हैं जो वो किया था, तो देखिए नतीजा वैसा ही मत हो जाए। गाना बजाओ। सब अपने भाई हैं, सारे लोग एकदम मस्त मस्त रहिए और अपना काम करिए, और सब लोग मिल करके हम लोग भोजपुरी और भोजपुरी से जुड़े सबको हम लोग आगे बढ़ाएं। और गाना गाइए तो गाना गाइए तो गाना।